जीएस प्लेनेट के अंदर। आज मेरे प्यारे दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम आने वाले क्वेश्चंस है। एक बार जितने भी प्यारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कृत्रिम उर्वरक, बोले तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एक तीसरा तत्व तो कौन सा होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बैरियम होता है। जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, आर्यन, अनिता, मीना, साहिल, हरियाणवी, जावेद अख्तर, फरमान खुर्शेद, चंद्रिका, राधे 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 भाई, सभी को सुप्रभात। जल्दी से एक बार अपना अपना व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिएगा या जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका स्टेटस लगा दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आई थिंक बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, बिल्कुल भाई, और आंसर आना शुरू हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई? नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के अलावा एक और चीज उपलब्ध होती है, वो तीसरा तत्व कौन सा होता है बेटा? आपका पोटेशियम। अब आपको पता होता है कि भाई पोटेशियम का जो मुख्य कार्य होता है, जो पौधे को जो सूखे के झटके से बताना, भाई आपको पता है कि पेड़ पौधों में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। भूसे में चमक लाने का काम करता है कौन है? पोटेशियम। उसके अलावा तने को क्या देता है बेटा? पोटेशियम मजबूती देता है। कीट व रोग प्रतिरोधक कीटों से इनको बचाने का काम भी कौन करता है बेटा? आपका पोटेशियम। अब अगले पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गे, भाई मग्गे चिपके हुए हैं और कुछ मत समझना। मग्गों को आप इंग्लिश में बोलते हो टम्बलर्स, आपने देखा होगा गिलास चिपक जाते हैं एक दूसरे के, तो पानी के मग्गे नहीं चिपक सकते, पता नहीं क्या क्या चिपक जाता है आज की दुनिया के अंदर। को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? अब कैसे अलग कर सकते हो भाई? दो चिपके हुए मग्गों को आपस में अलग करना है तो क्या करोगे? भारी मग्गे पर ठंडा पानी डालकर, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर, दोनों मग्गों को ठंडे पानी में रखकर, ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। अरे भाई ये क्वेश्चन दे दो। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आप देखो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो भाई मग्गों को अलग करना है, कैसे करोगे? दो जोड़े अलग कर देते हो, तुम लोग बजरंग दल के सदस्य हो यहां पर, तो तुम दो मग्गों को अलग नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सही, सारे नौनिहाल इंसान भी बिल्कुल। अंदर के मग्गों में ठंडा पानी डालकर, भाई आपको पता है कि शीतलता और उष्णता की अनुभूति का जो कारण है वो क्या कहलाता है? उष्मा कहलाता है। जब किसी वस्तु में उष्मा की मात्रा बढ़ती है तो उसके अणुओं की गति तेज होती है। अगर हम किसी वस्तु को, मतलब या तो आप ठंडा कर लो या क्या कर लो, उसका तापमान घटाकर, मतलब दोनों में से यही दो उपाय होते हैं, तो ठंडा पानी डालकर, ठीक है, तब जाके उन दोनों को अलग कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य और हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? भाई कर्ण ने सबसे पहले बताया तो कि सूर्य क्या होता है? एक सौरमंडल का सेंटर, और उसके चारों तरफ अपनी पृथ्वी चक्कर काटती रहे, परिक्रमा करती रहे। कौन से वैज्ञानिक थे भाई? अणुमास्टर न्यूटन थो, गैलीलियो थो, पाणिनि थो और कोपरनिकस था। बताओ कौन सा वैज्ञानिक था ये बताने वाला? तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। जल्दी से आंसर दे दो। प्रदीप, चंद्रिका, भाई एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करना नहीं, आंसर भी दो, बी या डी। भाई क्यों कंफ्यूज हो रहा है? मेरी शादी उससे भी होगी और उससे भी होगी, पता नहीं किस किस से शादी करेगा तू भाई। दो, एक कंफर्म, सी या डी, ये लो भाई। अरे भाई लोगो रुको, एक ही आंसर देना और वो के देना है डी। सबसे पहले कोपरनिक्स नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने ही
क्या बताया था कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य बताया था और उसके चारों तरफ अपनी पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योग्राफी का मान लो या साइंस का मान लो, है तो साइंस का ही पार्ट। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है बताओ? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या ग्रेविटेशनल अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से? बताओ भाई, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है? तुम ज्वार भाटा पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा कर देते हो, मैं तो महासागर की बात कर रहा हूँ, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। एक चीज तो सबको पता होता है कि ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है, ये नहीं पता क्या? अरे बोलो। अरे भाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हो, ज्वार को क्या बोलते हो? टाइड। और भाटा को क्या बोलते हो? EBB। भाटा वो नहीं जो पत्थर होता है। इसका आंसर मेरे शेर मान गए, सी। बिल्कुल राइट, सी आंसर बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि सूर्य पर चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण क्या होता है, सागर के ऊपर उठने वाली जो लहरें मान के चलो, गिरने वाले जो वापस गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? ज्वार भाटा बोलते हो, ठीक है। और आपको पता है कि ज्वार किसको बोलते हैं, जो सागरी जल को ऊपर उठाकर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, सागर का जो जल है ना ऊपर उठेगा, उसको तो आपने ज्वार बोला। तथा सागरी जल को गिराकर नीचे लौटने वाले, मतलब एक क्या हुआ, ज्वार ऊपर जाने वाला जल और वापस नीचे पड़ने वाला क्या हो गया, भाटा। तो टाइड का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, और भाटा का मतलब क्या होता है, नीचे गिरना। समझ गए? तो समझ गए ज्वार भाटा वाले इंसानों, ठीक है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है भाई। चंद्रमा का अगर देखो, चंद्रमा के कारण अगर कोई ज्वार भाटा आ रहे हैं तो वो प्रभाव अपना दुगुना दिखाएगा, डबल इफेक्ट दिखाएगा। क्योंकि सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट कौन होता है बेटा? आपका चंद्रमा। तो ये तो आपको सिंपल सी बात है कि चंद्रमा क्या करेगा, पानी को ज्यादा ऊपर खींचेगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे पटक देगा। ये उठक पटक का काम करता है कौन? ज्वार भाटा। तो समझ गए ज्वार भाटा कैसे आता है, अब गलत नहीं कर, क्या हो गया? अब देखो, सारा लगभग सुबह 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 की बात है भाई। गाँव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है भाई। सुबह सुबह दही में मक्खन ना निकालो के भाई तुम लोग, अरे दही से ही तो घी निकलता है, मक्खन जिसको आप बोलते हो। इसमें भौतिकी किस सिद्धांत का उपयोग होता है? विसरण बोले तो डिफ्यूजन, निस्तारण बोले तो डीकंडेंसेशन, अपकेंद्र बोले तो सेंट्रीफ्यूजन या अपोहन डायलिसिस। और ये क्वेश्चन जिसने आंसर गलत दिया ना, चनपट खाएगा। खूब बार बताया है, दूध से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना इज द एग्जाम्पल ऑफ। भाई बताओ क्वेश्चन का आंसर, गलत कौन दे रहा, मैं तो उसका बताऊंगा भाई। फिफ्थ का अभी तक तो राइट आ रहा है, प्रदीप सही, आर्यन सही, अनीता सही, निशा पुरोहित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, आंसर दो। यहाँ पर आंसर जाएगा दोस्तों सी, बिल्कुल सही है। सारे बच्चे बड़े नौनिहाल हैं, इंटेलिजेंट है। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, जिसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है, गाँव में सुबह सुबह दही का जो मक्खन निकाल लेते हो तुम लोग। जेट इंजन होता है ना, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करे? द्रव्यमान संरक्षण बोले तो मास कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण बोले तो एनर्जी कंजर्वेशन, रैखिक संवेग संरक्षण बोले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग बोले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिक्स नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना भाई, सिक्स नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो भाई, और शेयर कर दो यार वीडियो को, बच्चों तक पूछ ही नहीं पाई है या जनता सो रही है सर्दी में रजाई के अंदर? बेटा अभी तो एक रजाई नसीब हो रही है, थोड़े दिनों बाद ये भी नसीब नहीं होगी। पढ़ लो भाई पढ़ लो, अगर आपको दूसरी रजाई लेके आनी है तो, और उस रजाई ची अब चार रजाई उड़ लो तो भी सर्दी को बड़ी थारी, तो वह रजाई लाई पा तो सर्दी सर्दी में थार जुगाड़ हो जाओ रजाई को, तो इसके लिए पढ़वा लाग जाओ, ठीक है। अनिका सिंह भी बेटा पढ़ ले, काम आएगी पढ़ाई, नसीब। नीतीश, अच्छा नीतीश भी भाई, गलत। साहिल हरियाणवी सो रहे हैं, सोने दो भाई, सोने का क्या जिनका। सिक्स नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने रेखीय संवेग संरक्षण, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन करवाया था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इसी के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का था भाई ये। अच्छे से समझाया भी था भाई आपके, ठीक है। पर तुम लोग क्या हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ना तो तुम्हारे बस की है ही नहीं। सेवन नंबर का क्वेश्चन,
सेवन नंबर का क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से क्या कथन सही होगा? भाई पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? भाई क्या हो सकता है यदि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे? तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखो अच्छे से पढ़ना, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान मास क्या रहेगा? वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, बोले तो मास। भाई एक चीज था ना, ढंग से समझा रखी है, मास कभी भी नहीं बदल सकता है, मास बदल ही नहीं सकता। लड़की बदल सकती है, लड़का बदल सकता है, लेकिन आपका मास नहीं बदलेगा। उसका द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं मास कभी नहीं बदलता। आकाश से पाताल, पाताल से आकाश, गुरुत्व कुछ भी खत्म हो जाए, मास नाइदर बी चेंज। बट वस्तु का जो भार होता है ना, भार जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाए परंतु तो भार, भाई पहला ही ऑप्शन आपका सही जा रहा है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना भार। भाई आपके एक बल है और द्रव्यमान वही रहेगा, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में आंसर मिल गया। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? भैया बताओ, न्यूटन ने, कैपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? इको आंसर कौन गलत बताओ, को देखो दिखा कौन सो है सो गलत आंसर देखो। उपदेश यादव, गुड मॉर्निंग भाई। ये निशा पुरोहित, ए गलत है बेटा। प्रदीप अर्णिका अवनी, प्रदीप अर्णिका ने बिल्कुल सही बताया, सुखराम ने भी सही, आर्यन ने भी सही, निशा बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आओगे तुम लोग लाइन पे, आंसर क्या जाएगा भाई? कैप्लर ने। तो कैप्लर ने क्या दिए थे भाई? ग्रहों की गति के नियम दिए थे। यू आर नो वेल अबाउट इट, भाई सब अच्छे से जानते हो इसके बारे में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की ओर, बहुत ही अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, यहाँ पर हमें जोड़ा मिलाना है, जोड़ा मिलाना है, जोड़ा मिलान बाम तो थम माहिर हो। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर को काम के रहे भाई, मैनोमीटर को काम के रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 9th की बात कर रहा हूँ मैं आपके। तो भाई मैनोमीटर के एक रहे, समुद्र की गहराई मापा है, गैसा को दाब मापा है, गैसा को न तो या निम्न ताप मापता है, बताओ भाई एक का आंसर क्या जाएगा भाई आपके 9th का, जल्दी से बताओ। अरे भाई थान एक चीज देखो, मिलानो शुरू करो यहीं से। फैदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई मापता है। तो बी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है भाई? बी का फर्स्ट तीनों में दे रखा है, ठीक है। बी का फर्स्ट क्या दे रखा है? तीनों में दे रखा है। अब उसके बाद भाई आपके मैनोमीटर का काम क्या होता है भाई? आपके मैनोमीटर के काम करे भाई आपके, तो इसका काम मैनोमीटर का क्या होता है बेटा? गैसों का जो दाब होता है ना, प्रेशर ऑफ गैस, वो मापने के। थोड़ा सा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो इसका मैं अगर आपको आंसर बता दूं तो ये सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, बोले तो समुद्र की गहराई मापने के लिए आप लोग किसका यूज करोगे बेटा? आपके तो समुद्र की गहराई के लिए फैदोमीटर बता दिया था, और जो आपके इससे ऊपर वाले का बताया था गैसों का दाब के लिए ये, और उसके बाद बेटा क्रायोमीटर किसके लिए? गैसों का घनत्व, और डेजोमीटर किसके लिए? निम्न ताप के लिए। तो थोड़ा सा ये इसके अंदर दिख नहीं पाएगा स्क्रीन के अंदर, तो इसके लिए इसका आंसर सही नहीं बैठ पाएगा आप लोगों से, क्योंकि जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं दिखता तब तक आप एनालिसिस नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, 10th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग धीरेता मैक्सिमम होती है? बताओ भाई, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ बोले तो सबसे ज्यादा होती है? पैराबैंगनी बोले तो अल्ट्रावायलेट, अवरक्त, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश बोले तो लाइट रेज, या बोले तो गामा किरणें? बोलो रे भाई, बोलो आंसर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10th का, अब देखता हूं कौन सही बताता है। भाई 10th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? अच्छे से करवा रखा है मैं तुमको, एक एक गैसों की वेवलेंथ करवाई हुई है तुम्हें, और अभी भी नहीं पढ़ते हो ना आराम, हो तुम्हारा इलाज पक्का करना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है किसकी? इंफ्रारेड वेव्स की। क्योंकि खोज कर बाड़ो वैज्ञानिक कौन थो ना, हर्शेल, हर्शेल नाम का वैज्ञानिक था। हर्शेल नाम के वैज्ञानिक ने
अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड वेव्स की खोज की थी। इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, कितनी से कितनी बताई थी तुम लोगों को, 7.8 से गुणा में 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -3 मीटर तक होती है भाई आपकी। अच्छी से करवा रखी इसकी वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी करवा रखी है भाई 10 की पावर 4 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 2 हर्ट्ज। और तुम्हें अच्छे से बताया, इसके अलग अलग यूजेस बताए थे भाई आपके, हर चीज बताई थी अवरक्त तरंगों के बारे में। रिमोट जो कंट्रोल होता है ना, वो इसी के कारण मैंने ये भी बताया, तो याद तो रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, धवनि स्वर की पिच निर्भर करती है भाई, ये भी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर का। आयाम पर, एम्पलीट्यूड जिसको आप बोलते हो, आवर्ती फ्रिक्वेंसी पर, तरंग धैर्यता पर, चाल पर। अभी इंग्लिश मीडियम वाला भी नखरा मत करियो, आंसर दोनों में देना भाई, दोनों बोल रहा हूँ ऑप्शन, वेवलेंथ पर, चाल पर, क्या पर करे भाई। 11वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर दो। अरे 11th नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो। सिंपल सी बात बताई थी आवर्ती पर भाई, एक छोरो हो, एक छोरी हो, एक लड़को और एक लड़की हो, अच्छे से जानते हो ना लड़के लड़कियों को होता क्या है, मैं समझाना चाहूँ। देखो मनुष्य में है ना, भगवान ने भाई आपका लड़का है ना, अपन में सारी चीज ज्यादा ही दी है, एक चीज कम दी है, वो क्या है, आवर्ती के, आवर्ती बोले तो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की अगर बात करूं, आवर्ती अगर मेल की बात करूं तो वो कितनी हुआ है, 500 से लेकर 600 हर्ट्ज, और फीमेल की कितनी होती है, 900 से लेकर 1100 हर्ट्ज। और जी महिला की जितनी ज्यादा आवृत्ति, उसकी आवाज उतनी ही पतली, उतनी ही मधुर। यह चीज जानो ना जानो शेयर कर दो भाई आपके। जी महिला की आवाज जितनी ज्यादा आवृत्ति, उतनी ज्यादा क्या होगी भाई, आवाज पतली, उतनी ज्यादा मधुर, उतनी आपकी कानों को शोभा देने वाली। और जैसे जैसे आवृत्ति कम, तो आवाज लड़कों जैसी हो जाती है, और यहाँ पर जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है, तो उस लड़के की आवाज लड़की जैसी। तो ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो लड़के लड़के जैसे दिखाई देते हैं, नहीं मतलब दिखाई तो लड़कों जैसे देते हैं, लेकिन आवाज लड़कियों जैसी आती है, या लड़के लड़कियों की आवाज लड़कों जैसी आती है। तो आप समझ गए होंगे, आंसर तो बता ही दिया आपको, फ्रिक्वेंसी कुल मिलाकर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू विद्युत तार स्थापन बोले तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग मूलतः किससे संबंधित है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं बोले तो सीरीज में, समांतर में, श्रेणी और पैरेलल दोनों के से, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध व अन्यतर जो अलग होते हैं वहां पर क्या पहले बताओ। 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो भाई। घरों में जो विद्युत तार को स्थापन करो, वो कौन सा करो, श्रेणी में लगा दो के सारा ही उड़ जाए, हैं तो बोलो। 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा पैलर क्रम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है भाई, कौन सी ऐसी युक्ति आ गई में जो विद्युत ऊर्जा बोले तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल बदलती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और ये करवा रखा है भाई आपको, प्रेरक, इंडक्टक, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, बताओ भाई 13वें का भाई। थाने बेरो है, घर में मोटर पानी की कब चाल लेगी, पानी कब कूदेगा मोटर में, जब मोटर को तार लगा होगा तभी तो भाई आपके, और तार लगते ही मतलब क्या, करंट पास होगा, तो मतलब बोले तो विद्युत ऊर्जा से कम बदल जाओगी, मैकेनिकल पर पानी निकल रहा है तो मोटर, समझ गए यार, इतना सा आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते। कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं, अगर कंप्यूटर में अगर कोई गलत हो जाए कोई चीज, तो उसको क्या बोलते हो भाई, ये चीज बहुत ही अच्छा है, और ये राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आया था अभी, बताओ भाई कंप्यूटर का आंकड़ा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन से नए नहीं बनते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन का भाई, के को, चिप को हो, बाइट को हो, बग को या बिट को हो, 14वें नंबर का आंसर दे दो भाई आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर का। बात कंप्यूटर की हो रही तो क्या बोलोगे भाई आपकी, बग, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे राइट दे रहे हैं, बिल्कुल, उदय सिंह, निशा, कनक, जूही, शेरावत, या राइट राइट, बग बोलते, बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति बोले तो मेमोरी को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक बाइट है भाई, एक कंप्यूटर की जो मेमोरी हो ना, उन्हें आप या तो किलोबाइट में करें या मेगाबाइट, तो 1 बाइट का एक बराबर हो, 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पदली वाले अंक के, या 2 बाइनरी अंक या 2 दशमलव अंक। देखो फिजिक्स के भी हो रहे हैं, केमिस्ट्री के भी हो रहे हैं, ईवीएस के भी करवा रहा हूँ,
कुछ कुछ आपको एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ एक साथ इस क्विज के अंदर, फिर भी तुम लोग गलत करके आओ तो गलत ही करके आओ। बताओ भाई 15वें क्वेश्चन का आंसर दो। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर की मेमोरी को किलो बाइट एम किसके द्वारा, एक अगर बाइट है तो किसके बराबर होगी, 8 बाइनरी अंक के बराबर। किसके बराबर होती है, 8 बाइनरी अंक के बराबर। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य हो जाता है, द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। बताओ भाई पृथ्वी का केंद्र पर बात क्या की कर रहा, हाँ भाई दोनों के संदर्भ में कर रहा है, तो आंसर किए जाओ जल्दी से, आंसर दो 16 नंबर के क्वेश्चन का। अरे तुम्हें क्विज कराने के लिए आज पूरी रात नहीं सोया, मैं सुबह पढ़ाऊंगा बच्चे को फिर सोऊंगा आराम से, और तुम लोग आंसर सही नहीं दे रहे हैं। दिखाओ कमेंट दिखाना सर, अनिका सिंह ए, अरे राम, अनीता उपदेश भाई 16वां क्वेश्चन को आंसर दो, 16वां का गलत दे रहे भाई। एक चीज बताओ, बताने अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे नादान बच्चों, ओ नादान बच्चों, एक चीज बताई थी द्रव्यमान कभी शून्य हो ही नहीं सकता, तो आप ए आंसर तो किसी संदर्भ में दे ही नहीं सकते, ठीक है। भार शून्य हो सकता है, द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित। ठीक, जब मैं पाताल में चल जाओ, चाहे आसमान में चल जाओ, चाहे चंद्रमा पे चल जाओ, मास नाइदर बी चेंज, भाई मास को न बदला है। फिर बोल रहा हूँ आगे क्वेश्चन आते हैं और तुम गलत करके आओगे तो इसका आंसर सेकंड जाएगा। 17वां क्वेश्चन, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है भाई, बताओ जो गन मेटल हो वह ना, वह क्या की मिश्र धातु है, निकल टेन और तांबा की, तांबा फॉस्फोरस और निकेल, मैग्नीस फॉस्फोरस और निकेल, और तांबा टिन और जिंक। थाने का ट्रिक बता रखी है, अब देखो यहाँ रटने का मतलब ही नहीं है भाई, गन कहाँ मिलती है, तुम्हें कहा था गन कहाँ मिलती है, जैकेट में मिलती है, अब तुम भूल गए ट्रिक को। अब जिसमें जैसे कैसे और टैसे कौन कौन सी चीज आ रही है भाई, लगा लो हिसाब और आंसर चेप दो, टप्पा मार बैग जुड़ती को ना भाई, जैसे जिंक यो आगो फोरताड़ा में, कैसे कैसे कुछ है जैकेट, टैसे क्या आ गया, टिन आ गया, ठीक है, और ये आपका एक क्या आ जाएगा बेटा, आपका तांबा, जैकेट तो होता है भाई आपकी, जैकेट के अंदर मिलती है तांबा टिन और जिंक, ये जो मिश्र धातु होती है वो किसकी होती है भाई आपकी, वो किस, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सारे, तो आ रहे हैं भाई, जैसे जिंक आ रहा है, टैसे टिन आ रहा है, और कैसे क्या आ रहा है, कोपर, कोपर जिसको आप क्या बोलते हैं, तांबा, तो डी आंसर चला जाएगा ना भाई आपके 17वें का। तो इसमें आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की थोड़ी सी ट्रिक भी लगा सकते हो, कई क्वेश्चनों के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है कर सकते हो दोस्तों। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन के ऊपर, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक होता है, भाई मैं थाने खूब समझाया हूँ बार बार, जब लीवर समझाए थो तो थाने मैं खूब कहते हो भाई लीवर के अंदर याद रख लेना। देखो तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ऑप्शन पढ़ो, एथिल एल्कोहल के कारण आदमी अंधो, जब एमिल एल्कोहल के कारण, बेंजिल एल्कोहल कारण, मैथिल एल्कोहल के कारण, तो भाई आदमी का नशो तो कैसे हो जाओ भाई। देखो एथिल एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है भाई आपके, लास्ट में मैं अगर बात करना चाहूँ एसीटोन में हो जाता है लास्ट में, और उस एसीटोन का नशा होता है, लेकिन मैंने कहा था ऊपर कोने में लिख के बताया था कि मैथिल एल्कोहल होता है, सर मत कॉपी करती हूँ, टप्पा नहीं लगाती, अच्छा कॉपी मारा है कि बेटा, क्या की कॉपी मारा है, और आज प्रदीप किस, प्रदीप आज शांति शांति से तड़े तड़े लाग रहे हो आंसर दे बाक है, ये चक्कर है, सही सही मैथिल एल्कोहल, वाह मेरे शेर, तेरे को अगर पिला दो ना मैथिल अल्कोहल तो अंधता हो जाएगी, इसलिए पीना नहीं चाहिए, कहते नहीं भाई नकली शराब पीने से, वो नकली शराब यही है भाई आपके। अब ये बताओ आंसर उसका 4 चला जाएगा, ये मैथिल अल्कोहल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई प्रदीप तेरी सिस्टर ने बताया उन्होंने क्लास थी, मेरे प्यारे बच्चे अनिका, एसीटोन का यूज क्या बताऊं तुम्हें, एसीटोन के कारण नशा होता है भाई, आप मेरी लीवर की पार्ट नंबर सेकंड की वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा आपके अंदर। बाहरी जल एक प्रकार का कौन सा जल है, शीतलक है, मंदक है, ऐस का और ईंधन है, और जी बालक ने अभी भी कोर्स ना लियो वो कोर्स ले लियो, मैसेज कर दियो 99 29 786 377 ऑफर चाल रहे थर खातर, ठीक है।
आराम से छूट मिल रही दीपावली को, बोनस आ रहा यह समझ के चलो। आंसर दो भाई 19वां क्वेश्चन को। अरे बोलो, हैवी जल इज द, भारी जल क्या है बोलो। तो आपको पता है कि भारी जल क्या होता है? एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का काम करता है, नहीं करता? कहाँ काम करवाते हैं मॉडरेटर के रूप में इसको? इसको आप लोग यूज लेते हो नाभिक या अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। याद लो, अब न्यूट्रॉन की खोज कौन करी थी? अब यो भी कौन बेरोगे था ने? जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूटन ने। बताओ भाई 20वां को क्वेश्चन को आंसर। आंगलियां पे याद होना चाहिए जानकर क्वेश्चन, जरता जरता क्वेश्चन ही, या समझ ले एग्जाम में धराई मिलेगा थाने। अरे न्यूट्रॉन की खोज एक ही तो वैज्ञानिक करो तो, जी को नाम के थो रदरफोर्ड, क्या नाम था? अरे सॉरी, रदरफोर्ड का नाम, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने कब की थी प्यारे बच्चे? 1932 ईस्वी में, ठीक है। और इससे देखो, न्यूट्रॉन की न्यूट्रन समझ के मत करके आ जाओ, जेम्स चैडविक करके आए, 1932 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन क्या है 21वां? अब देखूंगा हम आपकी 12वां क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन से एक प्रकृति में अनुचुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक है? बताओ, लोह है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? 21वें क्वेश्चन का आंसर दो। भाई 21वें क्वेश्चन का साहिल हरियाणवी, अनिल पांचोली, प्रदीप। तो भाई यहाँ पर कौन सी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है? तो इसको आंसर किए जाओगे बेटा ऑक्सीजन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, या बताओ कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? भाई बताओ 4वां में। बताओ कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? 22वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाएगा कौन सी है भाई? चांदी है। थाने बेरो है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। रक्त का पीएच मान कितना हुआ है भाई? रक्त को पीएच मान 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। फोन दिखाना सर एक बार, मैं देखता हूँ किसके कमेंट गलत आता है। क्वेश्चन नंबर 23वां भी गलत किया ना, तो तुम्हारी चांदी है ना लोहे में परिवर्तित कर दूंगा। प्रदीप यादव, सोना कब से होने लग गया भाई विद्युत का सबसे सुचालक? पागला गया है क्या भाई तू? 23वें क्वेश्चन का आंसर दो राइट। प्रदीप, बुखराम, अविनाश, वाह मेरे सिर, वाह वाह, मान गए, दमदार। 7.4 था ना। सारा ना मैं एक पेपर में बैठा दूँ, कहूँ तुम सारा ना एक पेपर में सोल्व करो, नकल करके पास हो जाओ भाई हालत में, कदे को नो, तो सही तरीका से काम करा करो। क्वेश्चन नंबर 24, दूध कण को उदाहरण भाई, अणमा से दूध की चीज हो है? निलंबन हो है, जेल हो है, पाइस हो है, झाग हो है? बोलो भाई। 24वां बालक लाई चाल रही, 24वां ही क्वेश्चन है। अरे कम से कम क्वेश्चन के हिसाब से तो जनसंख्या बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 24वें का आंसर दो। 24वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे बच्चों। हम आपसे बहुत आशा लगा के बैठे हैं कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हमें सही आंसर देंगे। आपके घर वाले भी बोलते हैं कि छोरा पढ़ता है। देखो अब तुमको एक एक को चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि देखो एक निलंबन दिख रखा है। निलंबन जिसको हम क्या बोलते हैं, निलंबन क्या होता है पहले पॉइंट तो ये समझना। निलंबन होता है छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अग्लनशील परंतु नगण आंखों से दृश्य, मतलब विलायक में तो अपा कोई भी जैसे जल लिया इसके अंदर तो अग्लनशील नहीं, और अपन अपनी नंगे आंखों से देश का वे तो क्यों ही निलंबन, ठीक है। इसका साइज लगभग कितना होता है? इनके निलंबन के कणों का साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा जैसे निलंबन का उदाहरण हो गया भाई, नदी को गंदो जल हुई हो, ठीक है, वायु में धुआं हुई, ये चीज तो हो गई निलंबन। अब होता है एक, एक आपने नाम सुना होगा भाई कोलाइड। कोलाइड क्यों है? इससे थोड़ा सा बड़ा, 10⁵ से लेकर कहां तक भाई, आपके 10⁻⁷ तक, और ये कण छन मात्र के आर पार जा सकते हैं, मतलब भाई आपके आर पार जा सकते हैं, जिसको हम कोलाइड, जिसको हम जेल भी बोल सकते हैं भाई आपके, जिससे दूध हुआ, ठीक है,
आपका गोंद व रक्त स्याही, तो आंसर के करके होगा थे जो जैल करके आ जाए भाई थर आपके, ठीक है। और वास्तविक विलयन जो ही जिनको साइज 10 के पावर -8 से ऊपर हो जावे, ठीक है, वे कौन सा ही पायस ही भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव ऑन करते हैं। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन फॉस्फोरस। 25वें क्वेश्चन का आंसर दो। अरे मेरे देश के नौजवानों, 25वें क्वेश्चन का आंसर दो। कौन सा तत्व नहीं होता भाई आपके, सिंपल सी बात है, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता बेटा, क्लोरीन। अगर आप क्लोरीन उपस्थित कर दिए ना, तो क्लोरीन होता क्या है भाई, कोई हरे पीले रंग की एक गैस होती है जिसमें से तीखी गंध आती है, और इसके अगर दम घुट जाए ना तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, बहुत ही विषैली गैस होती है। और अगर हम बात करना चाहें क्लोरीन के बारे में और आगे, क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण बेल्डन विधि, डिकन विधि, कैमर, कई अलग अलग विधियों के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो नॉर्मली अभी ज़्यादा नहीं डिटेल करेंगे। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार कितना होता है बताओ भाई, 10 के पावर 10, 10 के पावर 5, 10 के पावर 9, 10 के पावर 10 मीटर। जल्दी आंसर दो 26वां को। देखो क्वेश्चन के हिसाब से लाइव बढ़ रहे, मान गए भाई, अरे थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्या, मैं जैसे जैसे जिस क्वेश्चन की ओर मुंह कर रहा हूँ उतनी लाइव चलाते जा रहे हो तुम लोग, इतने लाइव से क्या होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26वें का आंसर दो। देखो आंसर दे दो 26वें का, 10 की पावर -15 मीटर। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, मान गए मेरे सेरो, जय 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 कृष्णा की संख्या बढ़ा भैया, मैं थे लाइव बढ़ रहा हूँ, क्या चक्कर है, रुका रही हो भागनों को ना, कृष्णा का आंसर देकर जाना ही, लाल काला सफेद पीला। अब ताने एक चीज बतायो है कि जो अमल होते हैं ना बेटा, अमल अमल के लिए एक चीज बता रखी है तुम लोगों को अच्छे से, ऐसे के याद रखो, अनिल 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 के कर है, नीलान के कर दे बेटा, लाल कर दे है। तो 27वां क्वेश्चन को आंसर के जाओगो, तो 27वां आंसर जाओगो ए। फिर भाई आगे टेबल बनाओ, टेबल बनाओ भाई, टेबल बनानी है अपन, ये ले भाई बना दा हूँ। मलेरिया है भाई, मलेरिया में की दिक्कत आवे भाई आपके, 2800 क्वेश्चन की अगर बात करा तो मलेरिया में क्या दिक्कत आवा है कि जो आपके रक्त की जो कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, क्षीण हो जाती है, मतलब उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। फाइलेरिया होता है ना, फाइलेरिया, फाइलेरिया के अंदर क्या दिक्कत आ जाओ, मांसपेशियां प्रॉब्लम आ जाओ, सूजन आ जाओ है। अब एक होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, बोन मैरो, बोले तो जो आपकी अस्थि मज्जा होती है ना, और अस्थि मज्जा कब डिक्रीज होगी भाई आपके, क्वेश्चन नंबर इसकी अगर बात करना चाहूँ तो वो मतलब बोले तो WBC से रिलेटेड होता है, किसकी कमी आ जाती है, WBC की कमी आ जाती है। और एनसेफलाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड, तो ये जो जोड़ा मैच खा रहा है भाई, ये जा रहा है सेकेंड ऑप्शन की तरफ, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकेंड जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कान होता है, मस्तिष्क होता है, आंख होती है, पेट होती है, कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, 29 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो अल्जाइमर में कौन सा है, मस्तिष्क है। अपना शरीर में टिश्यूज का निर्माण कहाँ होता है, वसा में होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन भाई, कौन सी जगह टिश्यूज का निर्माण होता है शरीर के अंदर। 30वें क्वेश्चन का आंसर दो, बताया अच्छे से, अगर आपकी हड्डी टूट जाती है ना तो डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर कहता है कि बेटा तुम जी चीज में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिले ना वही चीज लो, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन तुम लोग क्या करते हो, या तो छीर खंड लेके, छीर खंड बोलते हो क्या बोलते हो उसको, मुझे नाम नहीं आ रहा भाई आपके,
वो लेके आते हो, या फिर आप पनीर खाते हो कच्चा, तो वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, और भी बहुत से सोर्स होते हैं प्रोटीन के। तो कुल मिलाकर प्रोटीन खाते हो तो हड्डियों को मजबूती, टिश्यूज का फॉर्मेशन करने का काम प्रोटीन करता है। लार्वा किसके पाचन में हेल्प करा है भाई बता? लार्वा का नाम आ रहा भाई। देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कंसेप्ट और भावनाओं को समझने की कोशिश करना, सारी आपकी दिल से जुड़ी हुई है। स्टार्च प्रोटीन रहस्य वसा बता भाई, लार्वा किसके पाचन में हेल्प कर रहा है सर? 31वां क्वेश्चन हुआ आंसर। थन सिंपल सी बात बताई कि हमारा मुंह में एक ही चीज को मेनली पाचन हो, और वो किस चीज को पाचन हो भाई? आपके स्टार्च का। स्टार्च का में बदल जाओ भाई आपके माल्टोज में। बदलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहो भाई? अपन टाइलिन या सैलायरी अमाइलेज। सिंपल सा काम होता है किसका? स्टार्च का भाई। क्वेश्चन नंबर 32, मानव भ्रूण का उदय कब स्पंदन करने लगता है भाई बताओ? सपोज करो कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, सपोज करो कोई लड़की या औरत प्रेग्नेंट हो गई, तो उसकी पेट के अंदर सपोज करो आज बच्चा गया, आज के कितने दिन बाद वो बेबी की हमें हार्ट बीट सुनाई देगी? मतलब हार्ट बीट सुनाई देगी मतलब ऐसा लगता है हार्ट बीट सुनाई दे रही है बच्चे की, तो मतलब बच्चा भी सोचता है माँ भी सोचता है। अगर हार्ट बीट वो नहीं सुनाई दे रही तो माँ के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है और बच्चे के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो अपने बच्चे की जांच करवा लो। तो इसके अंदर कब पता लगता है कि मैंने कहा बेटा अपना दिल कब से धड़कने लगता है? जब आप लोग अपनी माँ के पेट में केवल केवल 1 महीने के थे, बोले तो प्रथम परिवर्तन का चतुर्थ सप्ताह में, बोले तो जब आप अपनी माँ के पेट में केवल 1 महीने के थे जब से आपका दिल धड़कना शुरू करता है, तब तक धड़कता रहता है जब तक आप धड़क नहीं जाते। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सी। 33वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल व सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है भाई बताओ? 2 व 3, केवल 3, 1 या 2? केवल 2 भाई। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज जरूरी हो? 33वें क्वेश्चन का आंसर दो भाई। अरे दे दो ओ बच्चा, आंसर देना 33वें क्वेश्चन का। एपी खेतराम मोदी जी पधार चुके हैं, बिल्कुल भाई आंसर दो। वीडियो इज क्लियर भाई, सब कुछ क्लियर है। अब ये बफरिंग वाला साइन मत भेजो, बताओ भाई 33वें क्वेश्चन का आंसर दो। तैतीसवें का क्या जाएगा बेटा? सी। मतलब बोले तो सी, बोले तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्लोरोफिल भी चाहिए और जल व सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। हमारी जीभ को वो भाग जो मीठा स्वाद बताता है, पास्त्रो अगर भाग पस्य भाग मध्य भाग बताओ रे भाई। थारी जीभ है ना, जीभ बड़े लपलपाट करती है। जीभ में है ना सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और स्वाद कलिकाएं था एक और चीज को बेरोना चाहिए कि उन स्वाद कलिकाओं की संख्या मतलब टेस्ट बड्स जिनको आप बोलते हो, टेस्ट बड्स का काम क्या होता है? स्वाद चखने का काम। स्वाद कलिकाओं की बात कर रहा हूँ, तो वो स्वाद कलिकाएं अगर मैं बात करना चाहूँ। 34 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, मैं थोड़ा सा इससे डिटेल आंसर। तो वो स्वाद कलिकाएं महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, तो इसलिए तो कहते हैं कि महिलाएं क्या होती है, ज्यादा चटोकरी होती है, हर जगह मुंह की लार मारती रहती है भाई। यहाँ आज गोलगप्पे खाने हैं, अभी मुझे बर्गर खिला दो, अभी मुझे पेटीज खिला दो, अभी मुझे पनीर पकौड़े खिला दो, अभी मुझे पता नहीं पिज्जा वगैरह क्या क्या खिला दो, इसलिए चटोकरी होती है क्योंकि उनके मुंह के अंदर लार ग्रंथियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो हर किसी की लार का स्वाद चखा होता है उन्होंने, हर चीज का स्वाद चखा होता है, तो इसलिए वो चटोकरी होती है। दिस द डेफिनेशन ऑफ चटोकरी इज बाई गिवन बाय द दिनेश सर इन साइंस। ठीक है, अब मुझे इंग्लिश आती नहीं है। आंसर दो दो भाई 34वें क्वेश्चन का। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? आगे वाला भाग क्या होता है? मीठे स्वाद का पता लगाता है, रसगुल्ला आगे रखते पीछे नहीं फेंकते। पांचवे वर्ग के निम्नलिखित में से तत्व में कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है भाई? कौन सा बनाओ क्षारीय ऑक्साइड? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ कैसा होता है? 35वें क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। बेसिक ऑक्साइड कौन सा है भाई आपके? एन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी। सारे चार ऑप्शन में से आंसर दो भाई 35वें क्वेश्चन का।
तो 3500 क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा, बिस्मिथ। 3600 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, संगमरमर, पीतल, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम, के कोक। भाई कौन सा है कि यहाँ पर यौगिक, चारों में से जल्दी से ऑप्शन बोल दो, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन का आंसर मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिका, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ मिलेगा। 36वें क्वेश्चन की अगर बात करना चाहो तो इसका आंसर क्या जाएगा, यौगिक कौन सा है, संगमरमर, बाकी पीतल, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम, को ये तो क्या है, नेचुरल फॉर्म के अंदर मिलती है, सूची को मिलान कर लो, फिर चांदी को साइन, सोना को पारा को शीशा, कौन कौन सा है भाई। बताओ 36वें क्वेश्चन का आंसर, देखो चांदी ने कैसे शो करो, देखो सबसे पहले पारो, हर जगह पारो देख बार मिला है, तो पारा को साइन जठे पारो देख बार मिल जाओ, मतलब पारा HG से शो करते हो भाई। सी का आंसर क्या जाता है बेटा आपका, तो सी यहाँ HG से मैच कर जाता है। शीशा किसको बोलते हो, PB को, चांदी कहने बोल दो भाई आपके, चांदी कहने बोल दो AG ने, और सोना कहने बोल दो हो AU ने, ठीक है। तो ये एक बच गया, वो खाली स्थान था, तो भाई यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को 36 नंबर के, 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो ये आंसर कौन से मैच खा रहा है बेटा आपके, सेकंड वाले में, ठीक है। जोड़ा मैंने मिला के बता ही दिया, जोड़ा बना लोगे तुम लोग, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाई यहाँ पर 38। मानव को समूह कौन सा भाई, मानव को जोड़ो कौन सा भाई, मनुष्य कौन सा से बिलोंग करा है, ये क्लास कोडेटा के वर्ग प्राइमेटा में है, ये फाइलम कोडेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास में, ये फाइलम मेमलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास में, और अगला क्या दे रखा है, ये फाइलम कोडेटा के अंतर्गत क्लास मेमलिया के अंदर आता है। तो बताओ बेटा 38वें क्वेश्चन का आंसर, तो भाई मनुष्य क्या में आवा है, तो मनुष्य क्या के अंदर, बिल्कुल बेटा डी, किसके अंदर आता है, मेमलिया के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा ना फैले भाई, अनमा से इतनी बीमारी ही, तो कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है, डेंगू, फाइलेरियासिस, निर्जलाद्वारीय, मलेरिया। जल्दी से आंसर दे दो 39वें नंबर के क्वेश्चन का। बुलाओ बताओ भाई 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भाई, नाम यहाँ निर्धालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस एक रोग का नाम होता है, ठीक है, जो सी सी फ्लाई से होता है, मक्खी से। तो ये क्या नहीं है, बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है बीमारी। अब अगला क्वेश्चन का, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डूब जाती है तो उसके भार में 1.5 की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व कितना होता है भाई। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना ही पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वस्तु का घनत्व कितना होगा, 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो भाई। तो घनत्व के लिए एक सूत्र बता रखो है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दे रखा है भाई आपके, ऊपर 1 रख लेना, अपॉन भगवती का इंदिरा का मन अपॉन 5। और अब बात कर लें तो इन दोनों की शादी भी करवा देते हैं, टोटल आते हैं आंसर 5, और 5 के बाद क्या हुई शादी, ताकि रिश्ते रात अच्छे से समझ में आ जाए। 41वां क्वेश्चन क्या है, बैंगनी रंग का प्रकाश कितने देर तक, तरंग लंबाई कितनी, 4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन, 0.004 माइक्रोन, 0.004 माइक्रोन, बताओ आंसर। बताओ रे, वाह मेरे शेरो, आंसर क्या जाएगा, बैंगनी रंग की तरंग लंबाई कितनी होती है, 41वें क्वेश्चन का आंसर दे दो। बिल्कुल भाई 0.4 माइक्रोन। एक जब एक साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है, मतलब भाई के करो तुम, रगड़ो, रगड़ रगड़ का चार्ज दे दियो, ठीक है, चार्ज उत्थान करना या वह है, तो
तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती, इसकी त्रिज्या कम हो जाती, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, संकोचित कोलैप्स हो जाता है। बताओ भाई 42 ओम क्यों होगा भाई? भाई सिंपल सी बात है कि साबुन का बुलबुलाने तुम आवेशित करोगे तो उसकी रेडियस बढ़ेगी, कोई चीज ना चार्ज दोगा बार बार रगड़ का दोगा कोई चीज का है तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी? अरे मूर्ख बालको, तो इतना तो अनुमान लगा इसको क्योंकि त्रिज्या क्यों हो जाओ है बढ़ जाओ है, तो खूब तुम त्रिज्या बढ़ाई होगी तुमने कौन कौन से बुलबुलों की अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है? 43 एमरी, एमरी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अशुद्ध कोरंडम आय, अब उसको कुछ पता नहीं लोग क्या ही पढ़ते हैं भाई, नाम लिख रखा है कोरंडम आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, पोटेशियम नाइट्राइड अमोनियम क्लोराइड। 43 क्वेश्चन का आंसर दो भाई। भाई दे दो 43 का आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है कौन? एमरी। 44 क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। बताओ कौन सा एक कार्बनिक यौगिक अणुमास है? या बेटा या बिल्कुल बिल्कुल। 44 के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा? ए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है? भाई कौन से सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हैं? विद्युत चुंबक के प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोबेक सीबेक प्रभाव, या दाब विद्युत बोले तो पियोजोइक इलेक्ट्रिक प्रभाव। कौन सा जाओगे भाई? 4500 मानसून। तो क्वार्ट्ज की घड़ियां किस सिद्धांत पर काम करी? दाब विद्युत के प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। 45 का आंसर क्या जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 46, छूतगर्स गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? चेचक को, तपेदिक को, हैजा को, सकरवी को। बताओ भाई जो छूतगर्स तो होती है ना गाय का दूध, किस बीमारी को फैलाता है भाई? बताओ 46 क्वेश्चन का आंसर। जो बीमारी जिस गाय को छूने से बीमारी फैल जाती है भाई। 46 का आंसर दे दो, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो किसको फैलाता है? तपेदिक को। बी। क्वेश्चन नंबर 47, पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, इनमें से कौन सा तत्व पौधा प्लांट न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक नहीं? भाई बोरोन, क्लोरीन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। बताओ भाई कौन सा जाएगा 47वें में आंसर? तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधों के पोषण के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें से एक जो तत्व होता है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है? 47 का सी बता दिया था, कोबाल्ट। तो दोबारा बता रहा हूँ, कोबाल्ट। पौधों से अपना भोजन प्राय किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन में, कोलाइडल अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में। बताओ भाई थम थारा पौधा से भोजन कहाँ प्राप्त करो हो? 48 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थे ना मर्दा से पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं? तो विलयन के द्वारा करते हैं, सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट में से कौन सा है? भाई हीरे की खनिजीय बनावट भाई वो कौन सी होती है? जस्ता, निकिल, नाइट्रोजन, कार्बन। भाई हीरा किस चीज का बना होता है? तो तुम्हें एक चीज बता रखी है कि कार्बन का, अगर बेटा मैं बताना चाहूँ, मेरे सबसे क्लोज टॉपिक है कार्बन का, अगर अति शुद्ध रूप बात करें तो आपसे, तो कार्बन का अति शुद्ध रूप जो होता है वो बोलते हैं डायमंड। डायमंड क्या होता है? कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? 49 का कार्बन, डी। लास्ट 50, और फिर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट करके जाना कि सर मैंने इतने सही किए, मैंने इतने गलत किए। 50वां क्वेश्चन क्या है? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, भाई एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज को स्विच ऑन करो तो एक सिंपल सी चीज रट लेना कि भाई एक प्रकाश का पूछेगा और एक ध्वनि का। तो थाने सिंपल सी बात बताऊं, ध्वनि की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, और प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ 3.10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और अगर मैं बात करूँ तो ध्वनि की तो कुछ करोड़ों के अंदर होती है। तो हमें ध्वनि की
ज्यादा याद रखनी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगला ऑप्शन ये आएगा तब आपके, ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन ए भी गलत है। तो ऑप्शन बी 50वें का क्या दे रखा है, दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुन, क्योंकि ध्वनि प्रकाश के अपेक्षा कम वेग से चलती है। इसका ऑप्शन बी आंसर जाएगा 50 का। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्विज कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर जाना और अपनी अपनी चीज़ें बताना, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जीएस प्लेनेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, दिवाली के धमाकेदार ऑफर चल रहे हैं, अपने सभी दोस्तों को बताएं। फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।